support Sindhi content. Visit our new website now and enjoy all your favorite videos at one place. SindhTV.tv. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तहरी सुप्रिया कुकिंग शो में सब खैर से हुंदा है। जेकर रेसिपीज ठाइंदा तांजी फरमाइशन के मुताबिक जेको अस ठाइंदा हो शारजा कुकिंग ऑयल सगेट विटामिन ए ये डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी तमाम बेहतरीन है, जैमें मिठा था खादा। अज जी अज रेसिपी टाइम पे कौरमो, कौरमे में भी अस बनस्पति घी जो इस्तेमाल कहसी। जो फरमाइश हुई हैदराबाद का कि अदी जी फरमाइश काफ़ी दफा उन्होंने कॉल कर चाहिए कि बीफ कौरमो ठाने सिखाओ शादियों वो जो शादियों में होंगे वही रेसिपी टाइम पे। ये जो असल रेसिपीज होंगे इन टाइप जो बनस्पति घी में ठंडे तो शारजा बनस्पति घी में यूज़ कहसी। गर्मी जो मौसम है, गर्मी अची रही है, हाँ ड्रिंक्स तक डेली में कोशिश कर एक ड्रिंक ठाण सिखारा। लेमोनेडा ठाईदी यानी लीमो पुदनो कारो लूण बर्फ उन सा खंड वी तमाम बेहतरीन शरबत है। अगर जो शुगर पेशेंट्स वो खंड न वजन कारे लूण सही हली वो टेस्ट तमाम बेहतरीन इनको रहो। गर्मी में डेली तुम ड्रिंक ठाको इन टाइप जो रमजान अचे पे उन भी काफ़ी सारा शरबत काफ़ी सारे ड्रिंक्स तक ठाई सी। सुबह हलन रिपीट में 11 लगे कुकिंग भी शेफ असम जो पेज है उत्तर रेसिपी अपलोड थी स्क्रीन पर नंबर हलन कॉल कर काफ़ी फरमाइश करनी हो पुछो है पुछी सूता। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ विटामिन ए और डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, लो कोलेस्ट्रॉल घी है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी का इस्तेमाल मैं आज कर रहा हूँ। जो मैं आज बनाऊंगा शादियों वाला कोरमा, देगी कोरमा जो शादियों में होता है बीफ का, उसमें हम बनस्पति घी का इस्तेमाल करेंगे। ओरिजिनल रेसिपी में घी यूज़ होता है इसकी और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, आप बनाएं इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन में बनाना चाहें तो चिकन में बना सकती हैं। साथ ही लेमोनेटर ड्रिंक बनाएंगे लेमन की, उसमें लेमन और पुदीने की ड्रिंक बनेगी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई कराची में, खासकर बहुत गर्मी है तो इस तरह की बहुत सारी ड्रिंक्स से आपको बनाना सिखाऊंगा जो कंटिन्यू लास्ट वीक से बनाते आ रहे हैं। सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल करके कोई भी फरमाइश करनी हो आप कर सकते हैं। किचन में हल होता है रेसिपी कंधा से स्टार्ट ताकि लास्ट टाइम तक सारी रेसिपी कंप्लीट करें ताकि दिखाने होती है। अब हम क्या करेंगे स्टार्ट, सबसे पहले हम बीफ की रेसिपी स्टार्ट करेंगे, बीफ कौरमे की। इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, 3 पाव की रेसिपी से बना रहा हूँ ताकि आप 1 किलो की भी बनाएं तो जस्ट इसमें सिर्फ आपने क्या करना है प्याज की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाएंगे और लाल मिर्च और नमक की क्वांटिटी बढ़ेगी, बाकी वही होगी। आधा किलो तक की बनाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है सॉल्ट की क्वांटिटी कम करनी है और लाल मिर्च की थोड़ी सी क्वांटिटी कम करेंगे, बस बाकी वही लेवल रहेगा, ठीक है। हड्डी वाला गोश्त ले लें या बगैर हड्डी का ले लें, 3 पाव गोश्त है बीफ का, बछिया का, ठीक है। मटन लेंगी तब भी इसी तरह से बनेगा, बगैर हड्डी के लेंगी तो उसमें 1-2 हड्डी डलवाइएगा, जैसे इसमें 1-2 हड्डियाँ हैं, ठीक है। इस तरह का गोश्त लेंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जस्ट आप बोनलेस लेंगी तो उसमें वो फ्लेवर नहीं आता जो हड्डी से एक जूस निकलता है, उसका एक अपना ही जायका होता है। हिते छा कंदासी गऊँ जो या बछिया जो गोश्त खड़ंदासी, ठीक है। टे पा अगर बगैर हड्डी जो ठाओ पे जी, अदी हैदराबाद का मुझे कॉल कई हुई कि मुख्य बीफ जो कौरमो ठाण सिखारो जो शादियों में होंगे वही ठाओ पे, उन लाइ असा गोश्त खड़ंदी बगैर हड्डी जो, लेकिन हड्डी थोड़ी उनमें विझराए जो हड्डी का ही उनके ग्रेवी में जायको इन लिक्विड में, ठीक है। टे पा खड़ो अगर 1 किलो ठाइंदो तो इनमें थोड़ा गाढ़ा मिर्च, जैमें 1 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च वजा पे, तुम 1.25 खाने जो चमचो कर छो, लूण 1 चाय जो चमचो है तो तुम 1.25-1.5 चाय जो चमचो कौ, या 1/2 किलो में ठाओ पे तदे सागे तरीके से ठाईंदो, यही क्वांटिटी होंगी, इनमें घट वध करने की जरूरत ना है, ठीक है। इतने टे पा गोश्त है, सभी का पहले इतने अस खी शारजा बनस्पति घी। शारजा बनस्पति घी केतो वो 1/2 कप यानी 7 खाने जा चमचा 7 टेबल स्पून। 1/2 कप हम लेंगे शारजा बनस्पति घी। कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहे तो कुकिंग ऑयल में कजो, लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी आया था वो बनस्पति घी में ठंडी है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1/2 कप ले लिया शारजा बनस्पति घी, इसको करेंगे गरम। जब ये गरम होगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले आपने क्या करना है ब्राउन प्याज करके निकाल देना है, ठीक है। 1 पाव जितना प्याज होना चाहिए आपके पास, 1.5 पाव होना चाहिए, ब्राउन होने के बाद वो 1 पाव के करीब 1 कप रह जाएगा, ठीक है। 3 बड़े प्याज लें, फाइन स्लाइस कटिंग करें, 1/2 स्लाइस कटिंग करके उसको 1/2 कप शारजा बनस्पति घी गरम करके उसमें आपने घी में प्याज को फ्राई करके निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउन प्याज यूज़ कर रहे हैं हम लोग, पहले से ही 1 कप ब्राउन प्याज है, ठीक है। 1 कप ब्राउन बसर, 3 वड़ियों गंढ बसर जो खड़जो, उनके 1/2 कप बनस्पति घी गरम कयो, उनमें तमाम बसर के गाढ़ो करी कटी वड़जो, थोड़ो लूण विझजो, उनका छा थींदो आहे
ऑयल न पकड़ है यो जी गरम थो बसर कढ़ी वरतो लेकिन अस पैं का फ्राई थे बसर है हाँ इन ऑयल में विजासी तेज़पत्ता तेज़पत्ते दो अदद जाएंगे ठीक है। अब प्याज निकालने के बाद यहाँ पे मेरे पास छोटी इलायची है 6 अदद ठीक है, छोटी इलायची 12 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 अदद लौंग, 5 अदद लौंग, 10 का 12 अदद साबित कारा मिर्च, नंढा फोटा 6 का 8 अदद, अच्छो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो, यो हली वो दाग ठो उन विजासी अदरक थूम जो पेस्ट। कॉल आए कॉल वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? सिमिन बात कर रही हूँ भाई जी, कुछ कहना चाहेंगी? मैंने आपको कहा था मैक्रोनी बनाए, मैंने आपसे फरमाइश की थी, आपने मेरी फरमाइश ही पूरा नहीं किया। आप लोग टीवी ही नहीं देखते हैं टाइम पे। आपने जब मैक्रोनी का कहा था, मैंने उस दिन 3 किस्म की मैक्रोनी बनाई थी और आपने खुद मिस कर दिया है। मैं हर किसी की फरमाइश पूरी करता हूँ, मैं किसी की फरमाइश ऐसी नहीं होती कि ना बनाऊँ। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये कीजिएगा कि आप पेज पे मेरे देख दें, तीनों रेसिपीज आपको मिल जाएंगी ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ पे हमने भगार बनाया, भगार बनाने के बाद इसमें डालूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक थूम जो पेस्ट वही हो 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डालने के बाद ही आपने साथ डाल देना है बीफ ठीक है। बीफ की बोटियाँ इसके अंदर आपने डाल देनी है ठीक है, बीफ आपने इसमें डाल देना है 3 पाव या 1 किलो ठीक है, 3 पाव या 1 किलो इसमें आपने गोश्त डाल देना है, 1-2 हड्डियाँ होनी चाहिए गोश्त में और इसको आपने 3 से 4 मिनट भूनना है। गोश्त को भूनने के बाद हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे, 1.25 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको दम पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, और यही प्रोसेस आप कुकर में कर सकती हैं। 15 मिनट में आपका गोश्त गल जाएगा ठीक है, 15 मिनट में गोश्त गल जाता है कुकर में। ये प्रोसेस तुम कुकर में करे सको था, 15 मिनटन में तुम जो गोश्त जो तुम में गरंदो गराइंदो यो गरी वो ठीक है, लेकिन अगर पतीले में ठायो पे तो 35 से 40 मिनट लगंदा। इसको अच्छी तरह आपने 3-4 मिनट भूनना है गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ठीक है। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी, अभी कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे, जस्ट पानी डालेंगे ताकि गोश्त गल जाए ठीक है, और पानी इतना डालना है कि गोश्त जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, 1 कप जितनी रह जाए इसके अंदर। फिर उसके बाद हम पानी ऐड करके इसका शोरबा जो बनाते हैं, और जब बीफ कोरमा चिकन कोरमा बनता है वो बहुत ज़्यादा आलू गोश्त के सालन की तरह नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा होता है ठीक है, कोरमे का टेक्सचर अलग होता है ठीक है जी ठीक है। सिवाय मुझे ठीक है समझे, ओके ओके। अच्छा ये हमने गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें क्या करना है, हमने डाल देना है पानी। कितना पानी डालूंगा मैं, 1.5 गिलास यानी 3 कप पानी डाल रहा हूँ ताकि गोश्त इसमें गल जाए ठीक है। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर इसको हमने क्या करना है वो आगे का प्रोसेस बताऊँगा ठीक है। हाँ मैं तक बुधाया कि 12, 13, 14 अप्रैल से हैदराबाद में असाजो मेगा सिंध टीवी जो हमेशा थन्दो फेस्टिवल हैदराबाद में लास्ट ईयर भी थो इन दफे वरी थे पो 12, 13, 14 अप्रैल जो रानी बाग में ठीक है शाम का ये इवेंट शुरू थो उते हर तरह जो स्टॉल हूँ असा सब उतें हूँ सजा होस्ट सब टीवी आर्टिस्ट सब लाइव जहाँ न्यूज़ जहाँ सब होस्ट हूँ उतने मेगा म्यूजिकल शो भी थो जिते असा सब हूँ परफॉर्म भी कंदा जरूर अचो। बाकी डिटेल टीवी ते हले पई, उते हर तरीके जा खादन जा स्टॉल हुंदा, उते हर तरीके जा ज्वेलरी जा कपड़न जा हर शे जा स्टॉल हुंदा, जेके आया हुंदा उन्हनि खे खबर हुंदी त तव्हां जरूर अचिजो 12, 13, 14 अप्रैल ते शाम जो 5 बजे से ना शाम जो 5 वगे खां शुरू थींदो लेट नाइट ते हूंदो, असां सभु हुते हूंदासीं, ज़रूरु अचिजो ठीकु आहे। फैमिली सां गॾिजो, फैमिली शो आहे ऐं ज़बरदस्त इहो मेगा फेस्टिवल थींदो आहे हमेशह असांजो, ऐं दफ़ा वरी इनशाला थिए पियो त ऐं ॿारनि जे लाइ हुते झूला ऐं काफ़ी सारी वैरायटी हूंदी, तव्हां ज़रूरु अचो, ऐं ख़ासि करे म्यूज़िकल शो ॾाढा ज़बरदस्त हुते परफॉर्म थींदियूं आहिनि त ज़रूरु अचो ठीकु आहे। 12, 13, 14 अप्रैल को मेगा सिंध फेस्टिवल हो रहा है हैदराबाद रानी बाग में ठीक है। 12, 13, 14 अप्रैल को हमें जुम्मा हफ्ता इतवार पड़ रहा है, 12, 13, 14 अप्रैल को आप आइएगा ज़रूर हैदराबाद रानी बाग में सिंध मेगा फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होगी,
मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी, उनके स्टॉल्स होंगे, मेगा म्यूजिकल शोज होंगे और हम सब होस्ट वहां पे होंगे। सबसे मुलाकात आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा हमारा इवेंट होता है। लास्ट ईयर भी बात हम सब वहीं थे 3 दिन तक, तो आप लोग आइएगा। वहां पे सेल्फी वॉल होती है, हम सब वहां मौजूद होते हैं, आप लोग सेल्फियां वगैरह ले सकते हैं। ज़रूर आइएगा, इंतज़ार रहेगा आप सबका। 12-13-14 रानी बाग में, ठीक है, अप्रैल में। अच्छा हिते मान के वरी मिक्स करी बैठा, चलो तेज करी बैठा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्याज जब ब्राउन किया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये मैं बताता हूँ, ठीक है। मसाले भी मैंने ऐड नहीं किए, मसाले हम दही में ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह बीट करते हैं एक बॉल में, ठीक है। मसाले, एक पाव दही जाएगी इसमें, तकरीबन 1.5 कप बन जाती है, 1.25 से 1.5 कप, ठीक है। एक पाव दही को अच्छी तरह बीट करेंगे। मेरा बीटर आपने खाला नहीं ढूंढ के दिया आज भी। अच्छी तरह दही को बीट करें, फेंट लें, ठीक है। दही को फेंट के क्या करेंगे, इसके अंदर हमने डालने हैं मसाले। मसाले क्या क्या जाएंगे इसमें, जाएगी सब चीज़ें आपने नोट करनी, बहुत मज़ेदार ये कोरमा बनता है। चिकन में भी अगर बनाएंगे तो चिकन में भी इसी तरह सेम प्रोसेस से बनता है, ठीक है। चिकन में भी सेम तरीके से ठहंदो तमाम बेहतरीन यो कोरमो अहिंसा करी की ड्रिंक ठाहींदासीं। सुभाणे भी तमामु बेहतरीन रेसिपी आहे। ऐं सैटरडे ते असां ठाहींदासीं फिश कोफ्ता। फिश कोफ्तनि जी बि फरमाइश अचे पई इलाही, त फिश के कोफ्ते बि बनाएंगे सैटरडे को, ठीकु आहे। चङी तरह ॾही खे फेटण खां पोइ हिन में विझंदासीं मसाला। हिते विझंदासीं 1 चांहि जो चमचो भरे विझंदासीं हैड, 1 चांहि का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चांहि का चम्मच हम डाल देंगे 1 चांहि का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चांहि का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चांहि का चम्मच सॉल्ट नमक, 1 चांहि जो चमचो लूणु, 1 चांहि जो चमचो हैड, 1 चांहि जो चमचो पीठल ॻाढ़ा मिर्च। हिते आहिनि देगी ॻाढ़ा मिर्च, देगी लाल मिर्च ये डालेंगे 1 चांहि का चम्मच, ठीक है। देगी लाल मिर्च 1 चांहि का चम्मच, देगी लाल मिर्च है या उसको कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, इससे क्या होता है कलर आता है। अगर इन केस ये नहीं है तो फिर कश्मीरी लाल मिर्च बड़ी वाली जो ड्राई होती है वो ले लें, उसको गर्म पानी में 5 मिनट भिगो के निकाल लें, फिर उसको आप ब्लेंडर में या सिलबट्टे में पीस के वो मिला लें। इससे क्या होता है कोरमे का कलर बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर उसका नहीं होता, फीकी होती है, ठीक है। अगर देगी गाढ़ा मिर्च नथा मिलन, जंहिंखे कश्मीरी लाल मिर्च जो पाउडर चवंदा आहिनि, इहे न मिले त पोइ तव्हां छा कंदो कि वॾा वारा मिर्च मिलंदा आहिनि फिका, हुनखे कश्मीरी गाढ़ा मिर्च चवंदा, उहे पाणी में 5 मिंट पिसाइण खां पोइ कढी वठिजो, हुनखे पीसे हुनजो पेस्ट मिलाए छॾिजो, ठीकु आहे। देगी लाल मिर्च 1 चांहि का चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1 चांहि का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चांहि का चम्मच, नमक 1 चांहि का चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर यहाँ पे जाएगा 1 चांहि का चम्मच, जायफल जावित्री जो पाउडर वेंदो 1 चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर हिन में वेंदो 1/2 चांहि जो चमचो भरे विझंदासीं। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, भर के 1/4 चांहि का चम्मच मैंने डाला है, थोड़ा फ्लेवर अच्छा होगा, ठीक है। पिसी लाल मिर्च 1 चांहि का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चांहि का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चांहि का चम्मच और नमक 1 चांहि का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चांहि के चम्मच से थोड़ा कम 1/4 चांहि का चम्मच ऐसे करके डालिएगा, और जायफल जावित्री का पाउडर 1 चांहि का चम्मच डाल के मसाला बन गया हमारा, कौन सा कोरमे का, देगी कोरमे का मसाला। देगी लाल मिर्च थोड़ी सी मैं इसमें और मिलाऊँगा, कलर अच्छा आता है इससे, ठीक है। ये मसाला मिला के मैं रख रहा हूँ, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है जब तक हमारा गोश्त भी गल जाएगा, ठीक है। मसालों इतने ठाई छोड़ो है, देगी गाढ़ा मिर्च वगैरह सब विझी आई हिते गोश्त गरे पे, शॉर्ट ब्रेक वटूँ, ब्रेक का पूछे रेसिपी कंदासी कंटिन्यू। दिल चाहे और क्या, शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए ये डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, लो कोलेस्ट्रॉल घी, ओमेगा 3 मौजूद है, बेहतरीन इनमें खाधा ठंडा है। तुझे सामू जो मैं अज ठाया पे बीफ कोरमो, फरमाइश हुई काफ़ी इनकी बीफ कोरमे की हैदराबाद का, प्लीज़ दिसो पाया तो भाई रेसिपी नोट कर वो, अक्सर अदियों चवंदियों तुम रेसिपी ठाईंदा इन लेकिन पान ऐसा विसारे छदियों प्रोग्राम के। अब यहाँ पे जब आप देखेंगी इसमें गोश्त गल रहा और इसका पानी ड्राई हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी इसमें कसर है, थोड़ा इसका पानी ड्राई होने लगेगा, चूल्हा में हटा रहा हूँ, ठीक है। गोश्त गल जाए फिर आपने इसका ढक्कन हटा देना, ठीक है। गोश्त मेक श्योर कीजिएगा गल जाए, गोश्त गरी वाले ढक हटाई से जो पानी तुझे ड्राई थी वो इतने खो वरी मैं बुधाया तो पूरी रेसिपी रिपीट कराया पो। इतने 1/2 कप खो शारजा बनस्पति घी, उनमें 2 वड़ियों गंढ या 3 वड़ियों गंढ बसर जो खड़ी बारीक कटिंग करें जी। हैदराबाद से शाहिद है, अस्सलाम वालेकुम। जी अदी छा हाल है? ठीक है, अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक्स फॉर
तहांजी फरमाइश हुई जी हेलो सुठो आई सोफिया मुखे वही टेंशन हुई शायद ना दिसंदा हो जो अलै छा न आसान दे सो गया बाकी ले खुशी भी थे कि मुझे बारन के भी अब मुखे जी हां बिल्कुल ठाई जो पर मुखे बुधाई जो किए लगो ताके इंशाल्लाह लगा तो ताईदा के ता लाई दे दे तुम अब बिल्कुल आए हैदराबाद जरूर अचो असा चू पे 13 12 13 14 ते फेस्टिवल में ते ता से मुलाकात थी हां वो बुधो के यार तवा जो पर खुशी थी जरूर रानी बाग में आए मां भी होंदम उते जरूर अचो ठीक है दी ओके ओके थैंक यू हाफिज। अच्छा यहाँ पे हमने गोश्त का पानी ड्राई हो रहा है ठीक है। आधा कप हमने शारजा बनस्पति घी लेना है, 3 प्याज को बारीक कटिंग करके गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालें 1/4 टीस्पून, इससे क्या होता है क्रिस्पी हो जाता है, प्याज को निकाल के ठंडा करें क्रिस्पी हो जाए, उसको पीस लें बारीक ठीक है, कूट लें दाना दाना सा हो जाएगा, साइड में रख लें। फिर हमने क्या किया उसी ऑयल में साबित गर्म मसाला डाला जिसमें 2 अदद छोटी इलायची मुंह तोड़ के इसका खोल दीजिएगा ताकि इसकी खुशबू आए, 6 से 8 अदद डाल देनी है, लौंग 4 से 5 अदद डाल दें ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दिया है ठीक है, और काली मिर्च साबित 10 से 12 अदद डाली, भगार बना, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाला, 3 पाव से 1 किलो जितना बीफ डाल दिया, उसको 2-3 मिनट भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया, 2 गिलास जितना पानी 1.5 गिलास डाल के मीडियम फ्लेम पर गोश्त गलने तक पकाएं, गोश्त ड्राई हो जाएगा पानी सॉरी ड्राई हो जाएगा। 1 पाव दही लिया उसको अच्छी तरह बीट किया, उसमें पीसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, देगी लाल मिर्च जो होती है वो 1 चाय का चम्मच चला गया, जायफल जायत्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच चला गया, गरम मसाला पाउडर 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम डाला ठीक है। ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया दही में और ये पेस्ट सा बन गया, इसको रख दिया साइड में, जो ब्राउन प्याज करके निकाला था उसको पीस लिया है ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये ब्राउन प्याज जो है इसको पीसने के बाद ब्रेक के दौरान मैंने पीस लिया था, ये सारा इसके अंदर मिला देंगे, 1 कप जितना ब्राउन प्याज है ठीक है। वरी बुधाएं पर रेसिपी पूरी रिपीट कराएं तो बीफ कोरमो टाइप शादी वालों इन लासा खड़ा सी शारजा बनस्पति घी 1/2 कप, उनमें 3 गंढ बसर जो विझी गाढ़ो का जो ब्राउन करे कटी वट जो थदो करे उनको चूरो करे पीसे वट जो इन तरीके से जीअं उनके पीसे हुआ ठीक है, थदो करे पीसो सुठो चूरो ठही वेंदो। उन खां पोए तां छा कंदो के उन्हीं ऑयल में 1 खां 2 अदद तेज़पत्ता, 4 खां 5 अदद लौंग, 6-10 खां 12 अदद साबित कारा मिर्च ठीक है, नंढा फोटा 6 या 8 अदद तोड़े उनके अंदर विझिजो, 1 चाय जो चमचो अछो जीरो विझी दाग ठाइजो, अदरक तुम जो पेस्ट विझंदो 2 खाने जा चमचा, पोइ गोश्त विझंदो 3 पाखा 1 किलो ताईं, गोश्त के 5 मिंट भुञणो आहे त पोइ पाणी विझी छॾिजो 2 गिलास 1.5 गिलास जेतिरो पाणी सां गोश्त गरी वेंदो, जॾहिं गोश्त सफ़ा गरी वञे पाणी खुश्क थी वञे पोइ हिन में असां इहो मसालो विझंदासीं, जंहिंमें 1 पाउ ॾही खईं, ॾही खे चङी तरह फेटंदो, ॾही खे फेटण खां पोइ हिन में विझंदो पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हैड पीठल 1 चाय जो चमचो, देगी ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूणु 1 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1 चाय जे चमचे खां थोरो घटि, जायफल जावेत्री जो पाउडर भरे विझंदो 1 चाय जो चमचो, ॾही में इहे सभु मसाला मिलाइण खां पोइ जेको बसर आहे हुनखे पीसे ॾही में मिलाए छॾिजो, हीउ ज़बरदस्त क़िस्म जो पेस्ट ठही वियो आहे ठीकु आहे। हे पेस्ट ठही वियो, इहो पेस्ट असां विझंदासीं हिन जे अंदरि कोरमे जे, जॾहिं तव्हांजो ॾिसंदो हिते पाणी खुश्क थी वियो आहे ठीकु आहे, कोरमे में ये जब अब ऑयल इसका घी ऊपर आ गया, गोश्त को हल्का सा भूना घी ऊपर आ गया, अब क्या करूँगा जो ये पेस्ट बनाया हुआ है ये इसके अंदर डालूंगा, लेकिन पेस्ट में थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा, ये थोड़ा सा थिक है इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगा, कितना 1/2 कप, ताकि पेस्ट पतला होकर इसके अंदर जाए ठीक है। परवीन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम बताओ क्या हाल है। अच्छा पे इसमें थोड़ा 1/2 कप पानी मिलाने का मकसद ये था कि दही में सब मसाले प्याले से उतर जाए, मैंने चिपक जाता है, फिर भी हम पानी डाल के ही निकाल रहे थे तो इससे बेहतर है 1/2 कप पानी मिला के इसमें डाल दें। अब इसको मिक्स करें ठीक है, हाँ इनके मिक्स कर दो चंगी तरह, इनमें एक बॉयल अचान दो, कवर नहीं करना है, इसको भूनना है थोड़ा ताकि दही का कच्चापन मसालों का कच्चापन ये ख़त्म हो जाए ठीक है। केवड़ा वाटर इसमें जाएगा या अरके गुलाब, केवड़ा वाटर नहीं है तो अरके गुलाब डाल दें, जायफल जावेत्री का पाउडर अगर सब मैंने इसमें डाल दिया, और अगर केवड़ा वाटर न मिले तव्हांखे त पोइ तव्हां हिन में अरके गुलाब जेको हूंदो आहे गुलाब जो पाणी हूंदो उहो विझी छॾंदा कयो, हुन खां बि खुशबू सुठी ईंदी आहे। केवड़ा एसेंस जेको नंढो वारो मिलंदो आहे अगरि उहो विझो पिया त उहो बिल्कुलु घटि 1/4 चाय जो चमचो विझिजो, उनजी तेज़ी हूंदी आहे, हिन में तेज़ी नथी हुजे, हीअ बिल्कुलु सुठी हिन जी खुशबू हूंदी आहे। जी परवीन है सांगर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई कैसे हैं। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं।
भाई? देगी कोरमा बना रहा हूँ बीफ का। अच्छा जी जी, आपका जो प्रोग्राम फैसल भाई बहुत अच्छा, मैंने टिक्कियां बनाई बहुत जबरदस्त बनी थी। कौन सी मीठी टिक्कियां? एक फरमाइश आपने मेरी पूरी नहीं की। कौन सी बताइएगा? मैंने आपसे उसकी गोभी की पूछी थी, वो कोफ्ते पूछे थे। कोफ्ते कौन से वाले बताइएगा? गोभी के आपने बनाए। अरे हाँ, मैं बता अभी मैं बना देता हूँ, क्योंकि उस दिन शायद मुझे मैंने एक रेसिपी बताई थी और टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा था, इसलिए तो मैंने बताना भूल गया था। मैं बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है। और फैसल भाई, आप मेरे हस्बैंड का नाम भी फैसल है, तो वो बड़े आपसे जेलिस हो रहे आजकल। अच्छा अच्छा, चले अच्छी बात। पास बैठते तो मेरी बेगम टीवी के आगे बैठती होती। बिल्कुल आ जाए, अगर आपने मेरे शो में आना है बुकिंग कर सकती हैं आके। नहीं फैसल भाई, हम बहुत दूर हैं, हम नहीं आ सकते। चले हैदराबाद आ रहे हैं हम फेस्टिवल में, अगर वहाँ आना चाहें तो वहाँ आइएगा मुलाकात। हाँ इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे। ठीक है ना, 12, 13, 14 को शाम से शुरू होगा इवेंट, हम सब होंगे वहाँ पे, मजा आएगा, आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसको हमने क्या किया, अभी मैंने कवर नहीं किया, ठीक है, दही का पानी हमने ड्राई करना है। मैं उनके कवर कौन करूँगा, दही जो पानी खुश करना है, इनके पचन दियो मीडियम फ्लेम करी छोड़ो, सड़े भी ना वधिक, ठीक है, मीडियम फ्लेम कर दिया, इसको पकने दें, ठीक है। 12, 13, 14 अप्रैल थे, ठीक है, इन्हीं महीने में 12, 13, 14 अप्रैल थे सिंध टीवी जो मेगा फेस्टिवल थे पियो रानी बाग हैदराबाद में होते अचरना विसार जो तमाम ज़बरदस्त होते इवेंट थे जैमें बारन जिला आई तां खवातीन जिला तमाम सुठे स्टॉल्स हूँ फैमिली वो प्रोग्राम है फैमिली फेस्टिवल है उतने हर तरीके जी ब्रांड्स इंदियों तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी उन स्टॉल्स हूँ उन ब्रांड्स होंदियों मेगा म्यूजिकल शो हों बारन जिला खाने पीने की शूं होंद झूला हूँ इन जिला काफ़ी सारे स्टॉल्स हूँ लेडीज ला तो जरूर अजो सब उतने हूँसी सेल्फी वॉल हमेशा उतने लगती है जिते असं सब होस्ट हूँ न्यूज़कास्टर्स न्यूज टीम होंगी है तो वह सब तुम मुलाकात भी कर सोता फंक्शन में भी इंजॉय कर सोता वा आर्टिस्ट सिंगर्स इंदा तो जरूर अचो 12, 13, 14 अप्रैल से, ठीक है। 12, 13, 14 अप्रैल को हैदराबाद में मेगा फेस्टिवल हो रहा है सिंध टीवी की तरफ से रानी बाग में। शाम को मैं 5-6 से स्टार्ट होगा, रात गए तक होगा और लास्ट ईयर भी हुआ था हम सब आए थे, मुलाकात होगी आप लोग से, हम सब वहाँ मौजूद होंगे, मैं भी होंगे और उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे और मल्टीनेशनल कंपनियाँ होंगी, उनके ब्रांड्स होंगे, म्यूजिकल शो होगा और खाने पीने के स्टॉल्स होंगे, ज़रूर आइएगा, सेल्फी वॉल होगी, हम सब वहाँ पे आपसे मिलेंगे और ज़रूर आइएगा 12, 13, 14 अप्रैल को। फरजाना शाकिर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, कहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं सबको? हैदराबाद, जहाँ पे आप लोग आए थे लास्ट ईयर सब। मुझे तो मुझे पता है आपका शो होने वाला है। हाँ, आप आई थी ना लास्ट ईयर? देखेंगे इंशाल्लाह, दुआ करें। चलें चलें, ठीक है, आइएगा, गर्मी ना हो तो। गर्मी नहीं होती हैदराबाद। ये क्या नाम है इसका, मैंने आपका वो बनाया शरबत ना, मेरा शरबत बनाया था खरबूजे का, मेरा शरबत या खरबूजे का? अरे खरबूजे का। अच्छा अच्छा, तो ये जो ना अच्छा बना बहुत। पहले तो मैं तो ज्यादा पता क्या था, मैंने मिल्क शेक के अंदर बनाती थी इसको, ठीक है, लेकिन आपने जो ये स्टाइल बनाया ना, मैंने बनाया वाकई में टू गुड। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल डिफरेंट, ये परसों और अभी भी यही बनाऊंगी, रोजा है मेरा। अच्छा चले, तो जरूर इंशाल्लाह यही बनाऊंगी, बहुत ठंडा भी था और बहुत अच्छा लगा भी। चले बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी और कोई रेसिपी दे जल्दी जल्दी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंटिन्यू है, ड्रिंक्स रमजान तक ना पूरी ड्रिंक्स डेली बनाता रहूंगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। कुछ कह रही थी, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ठीक है, जो घाटोपन दिसो इन तरीके से ही कोरमो ठंड हुआ, ये देखें कितना जबरदस्त इसका कलर आ रहा है। अब इसमें मैं पानी डालूंगा, ठीक है, जस्ट मैंने अभी भूनने के लिए इसका कवर हटाया है, ठीक है, इनके एक दफा भुंजंदासी चाकरदम मसाला दही उन जो पानी खुश्क थी हुआ। अच्छा बहुत से लोग बिल्कुल गाढ़ा कोरमा खाते हैं, यहाँ कराची में एक दो जगह है मशहूर, वहाँ का कोरमा बहुत ही पुराना, बहुत ही पता है कितने सालों से है, 30-40-50 साल बल्कि हो गए होंगे, नाजमाबाद साइड पे पापोश की तरफ, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वही हो जाता है कि टीवी पे नाम ले रहे हैं। वो इतना गाढ़ा और इतना ज़बरदस्त कोरमा होता है कि आज भी हमारे घर में वो मंगवाया जाता है, ठीक है, बीफ का ही बनता है। तो ये जो कोरमा उसी तरह का बन रहा है, इसकी थिकनेस वैसी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे, ठीक है। इनके भुंजंदासी ब तरीके से खाई सको था, घाटो करे इन्हीं तरीके से, बिल्कुल घाटो भी कोरमो हों शादी में जी यूज़ थोड़ा छिटो करण चाहो थोड़ो कजो, हद का ज़्यादा ना कजो कि बिल्कुल पानी हितां टूट का बाहर पे अचे या आलू गोश्त जो टेक्सचर ना चढ़ खपे उनके कोरमे के, हमेशा कोरमे वांगा वहीं कोरमे की क्वांटिटी हमेशा घट खाई है,
घाटो होंगे मानी से घट खाइबी है बोड़ अस बोड़े बोड़े मानी के अंदर खाई है उनको टेस्ट खाने का मजो पाँचों होंगे कौरमे जो तरीकेकार मजो पाँच होंगे ठीक है। कौरमे का खाने का अपना तरीका होता है, कौरमा कम खाया जाता है, गाढ़ा होता है, चीरमाल से नान से खाते हैं, लेकिन आलू गोश्त का शोरवे वाला सालन होता है उसमें हम नान डुबो डुबो के खूब खा रहे होते हैं, शोरवा पी पी रहे होते हैं, हर चीज़ का अपना एक मज़ा होता है खाने का, तो इसको उसी तरह बनाए, इसको पतला ना करें ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ पे जब कलर देखेंगे इसका बिल्कुल ज़बरदस्त कौरमे जैसा कलर आ गया, इसकी थिकनेस देखेंगे ये बिल्कुल दाना दाना इसके नज़र आ रहा है ठीक है। तो इसमें मैं ब्रेक पर भी जाने वाली हूँ, तो इसमें मैं पानी डालूंगा कितना, सिर्फ एक कप, मैं क्योंकि ज़्यादा इसे पतला नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वही शादियों वाला टेक्सचर देना है ठीक है। शादियों वालों कौरमो ठाणो है तो मैं इनमें एक कप पानी विधो है, इनके मैं हाँ रखंदम दम थे उनका पेरी इनमें विझंदम केवड़ा वाटर या अरके गुलाब एक टेबल स्पून, वन टेबल स्पून केवड़ा वाटर या अरके गुलाब डाल दिया, इसको दम पे रखेंगे 15 मिनट, ब्रेक पे जा रहे हैं ठीक है। ब्रेक तो ब्रेकअप हो चुकी रेसिपी ताकि पूरी कंटिन्यू करेंगे। दिल चाहे और क्या शारजा, शारजा बनास्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, लो कोलेस्ट्रॉल घी है, ओमेगा 3 मौजूद है, तमाम बेहतरीन इनमें खाधा ठंडा है, जो कौरमो ठाए हुआ जिनमें यूज़ करवा बनास्पति घी, शारजा बनास्पति घी यूज़ किया कौरमे में, यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप नहीं वाइट करते ऑयल में बनाए, लेकिन जो बनास्पति घी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है शारजा का, तो आप इसमें बनाइएगा। इसको दम पे रखा हुआ है केवड़ा वाटर डाल के ठीक है, केवड़ा वाटर या अरके गुलाबी जी दमते रखी छो, इनमें अदरक बिल्कुल बारीक कटिंग थी हलाए यो विज भी ठीक है, अदरक इसमें बारीक कटिंग की हुई पारचे इसके अंदर थोड़े से डाल देंगे ठीक है, थोड़ी सी मैंने बचा के रखी गार्निशिंग के लिए, और कुछ इसके अंदर डाल दें लास्ट में, फिर इसको 10 मिनट छोड़ दें, और ये देखें कितना गाढ़ा और ज़बरदस्त ये इस तरह का कौरमा जो शादियों वाला कौरमा है वही बन गया ठीक है। इस तरह ये चिकन में भी बन सकता है और उसमें भी बीफ मटर में बीफ में बनाया। ड्रिंक बना रहे लेमोनिडा, इन लाइ असें खपे फूदने की एक गट्ठी पूरी खणजो, एक कप फूदनो है, इनके चंगी तरह धोई वो पत्ता इनका कटी वो ठीक है। एक कप पुदीना है, इसके अपने पत्ते निकाल देने, अच्छी तरह वॉश कर देना। इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स पूरे एक कप ठीक है, एक कप बर्फ विझो, क्यूब्स जो ट्रे होंगी वो सजी विझी छो, लीमे जो रस विंदो अध कप, 6-8 खाने का चमचा, हाफ कप लेमन जूस, चीनी इसमें जाएगी कितनी 4 टेबल स्पून, अगर आपको ज़्यादा डालनी है तो डालें, मैंने 4 टेबल स्पून डाली। काला नमक 1 चाय का चम्मच भर के ठीक है, कारो लून 1 चाय जो चमचो, फूदने जा पत्ता मुंह में विधा 1 कप पूरी 1 गठी ठीक है, लीमे जो रस अध कप, कारो लून 1 चाय जो चमचो, खंड 4 खाने का चमचा, अगर शुगर पेशेंट सही हो तो खंड ना विझो, खारी कारो लून जो खाली वो विझी तक ठाजो, ढो जबरदस्त हों, इनमें थदो पानी विझो हसबे ज़रूरत, 2-3 गिलास जितो तेजे जग में अची सके ठीक है। पानी डाल दिया मैंने इतना, पुदीना 1 कप वॉश करके अच्छी तरह, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है लेमन जूस 1/2 कप, 2 बड़े लेमन का जूस ठीक है, चीनी 4 खाने के चमचे, अगर शुगर पेशेंट है खुदा ना खास्ता तो चीनी ना डालें, सादा बनाएं, बर्फ आइस क्यूब्स 1 कप 1/2 कप 1.5 कप जितनी अच्छी लगे वो डाल दें, काला नमक 1 चाय का चम्मच डाला, और इसको अब चला देते हैं अच्छी तरह, अच्छी तरह इसको चलाएं, चंगी तरह इनके हलाइंदासी ठीक है, 5 मिनट तक इनके हलाइण आए, ढी ज़बरदस्त यह ड्रिंक तैयार थी वी जी, होल्ड पे रखिएगा कर लूँ ठीक है। इसको फिर हम निकालते हैं अच्छे से ग्लास में, ड्रिंक को अच्छी तरह आपने चलाना है ताकि पुदीना जो है वो अच्छा सा इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाए ठीक है, कलर भी ग्रीन सा आ जाएगा, और पुदीने को अच्छी तरह ख़त्म करना है, चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, और अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा ताकि बर्फ वगैरह सब इसके अंदर मिक्स हो जाए। कॉल लेते हैं कराची से है नसीम असलम, बताया ना रमजान आ रहे हैं पकौड़े की रेसिपी वगैरह, जी जी क्या कह रही हैं, पकौड़ों की रेसिपी आ रही है फ्रोजन पराठे वगैरह, ये फ्रोजन पराठे वगैरह तो मैं पहले बनाना सिखा दूंगा, पकौड़े हम रमजान में स्टार्ट करेंगे, बाकी जो फ्रोजन चीजें वो बनाना सिखाऊंगा, चाट मसाला और दही बड़ा मसाला ये सब इंशाल्लाह 15 के बाद जो वीक शुरू होगा ना 15 अप्रैल के बाद में इंशाल्लाह उसमें सारे रमजान की तैयारी करेंगे ठीक है। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, जब हम ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह जूसर मशीन में, तो उससे क्या होता है कि
झाग बन जाती है, ऊपर सारा मटेरियल ऊपर आ जाता है, तो इसको हमेशा मिक्स करके निकाला करें, ठीक है। ग्लास में भी बर्फ़ डालते हैं, ठीक है, ग्लास में भी बर्फ़ विझूँ था। आई जॾहिं इनके कढंदा आहियो जग मां त इनखे पहिरीं चङी तरह हिलाए छॾंदा कयो, ठीकु आहे। हिलाइण खां छा थींदो आहे, जेको इनमें शयूं विधल हूंदियूं आहिनि उहे सभु मथे अची थियूं वञनि, त उहो हिलाए कढंदो चङी तरह मिक्स करे त मिक्स थी निकिरंदो, ॾाढो सुठो लॻंदो। इहे देखे कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है ग्रीन, और ये मिंटी है, बहुत अच्छा। गर्मियों का तोड़ है, गर्मियाँ आ रही हैं, इस तरह की ड्रिंक्स बनाएं, डेली बनाएं अपने घर में, ईजीली बना के जग रख दें, बच्चों को भी दें। शहद भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर चीनी नहीं डालनी है तो आप इसमें शहद डाल दें दो खाने के चम्मच, और शहद नहीं डालनी है आप डायरेक्ट ऐसे भी पिए काले नमक का, इसमें बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर है, बड़ा ज़बरदस्त ये ड्रिंक आपके लिए मैंने बनाई है, और ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। इस तरह के स्ट्रॉ मिलते हैं यहाँ पे गुल सेंटर में, हर जगह आजकल मिल रहे हैं स्ट्रॉ। बच्चों को आप इस तरह के ड्रिंक्स में स्ट्रॉ डाल के दें। लेमन के स्लाइस ले लें, इसको कट करके लगा लें। ये हो गया हमारा लेमनेडा ड्रिंक तैयार, ठीक है। हे तव्हां साम्हूं कोरमो बि असांजो तयार थी वियो आहे। रेसिपी मां काफ़ी दफ़ा रिपीट कराई आहे कोरमे जी, ताकी तव्हांखां का शइ मिस न थिए। इसको रखते हैं जी। गोभी के कोफ्तो के लिए गोभी हमने लेनी है एक कप से सवा कप, ठीक है। मैं रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, एक से सवा कप गोभी लेनी है, उसको बारीक कश कर लें, कद्दूकश कर लें या बारीक चॉप कर लें, ठीक है। उसमें आपने मिला देना है बेसन डेढ़ कप जितना, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्ती हमारी ड्रिंक तैयार हो गई। डेढ़ कप आपने इसमें मिला देना है बेसन, ठीक है। फिर उसमें डालनी है पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून से थोड़ा कम, ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसमें आपने अनारदाना डालना है कूट के दो खाने के चम्मच, ठीक है। पानी में भिगो के निचोड़ के निकाल दें। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करें थोड़े थोड़े पानी के साथ, और हाथ गीला करके जब गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, पेस्ट से भी गाढ़ा होना चाहिए, फिर उसके कोफ्ते बनाएं, ठीक है। उसके कोफ्ते आपने बना के फ्राई कर लें, फ्राई करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, फ्राई करके उसको निकाल लें। उसके बाद आपने इसकी ग्रेवी बनानी है, जिसके लिए आपने ब्राउन प्याज ले लें या सादा प्याज। मैं ईजी बता देता हूँ कि एक कप प्याज लेके उसको भून लें, गोल्डन फ्राई कर लें हाफ कप ऑयल के साथ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर उसको भूनें, फिर उसमें डालें पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर आधा आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच डाल दें, गरम मसाला पाउडर डाल दें उसमें एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना ज़रूर डालिएगा उसमें 6 से 8 अदद, उसको भूनें अच्छी तरह, और एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालें। फिर आपने क्या करना है, दही लेनी है एक कप, उसको अच्छी तरह बीट करें, दही को वो डालें, उस मसाले को अच्छी तरह भूनें, कलर आ जाएगा उसका रेडिश सा कलर आएगा, फिर उस पर थोड़ा सा पानी डाल दें, 1 से 1.5 कप पानी डालें, फिर वो जो कोफ्ते बनाए थे वो उसके अंदर डालें, मिक्स करें, फिर उसको एक बॉयल आने दें, उसके बाद उसको कवर कर दें। हरी मिर्चें साबुत डाल दें उसके अंदर, कट करके डाल दें, हरा धनिया डाल दें, उसको 10-15 मिनट दम पे निकाल के और उसको निकाल लें। यहाँ पे हो गया जी, हाँ ये कोरमा निकालते हैं। और ये हैदराबाद फेस्टिवल अगेन ॿुधायां तव्हांखे, 12, 13, 14 अप्रैल ते ज़बरदस्त मेगा फेस्टिवल थिए पियो। सिंध मेगा फेस्टिवल हर साल थींदो आहे, हिन दफ़े वरी थिए पियो राणी बाग हैदराबाद में। हुते अचरना विसार जो ज़बरदस्त इवेंट आहे, हुते काफ़ी सारा आर्टिस्ट हूंदा, असां सभु होस्ट हूंदासीं, तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, ठीकु आहे, मुंहिंजे अलावा। त हुते ज़रूरु अचिजो, सेल्फी वॉल हूंदी हुते, न्यूज़ जा बि सॼा स्टाफ हूंदो, न्यूज़ कास्टर्स हूंदियूं, ऐं असांजो सॼो स्टाफ हूंदो। हुन जे अलावा मेगा म्यूज़िकल शो हमेशह थींदो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त, हुते सिंगर्स ॾाढा ज़बरदस्त ईंदा आहिनि, ऐं हुते अची इंजॉय कजो। ॿारनि जे लाइ ज़बरदस्त हुते स्टॉल्स हूंदा, झूला हूंदा, ख़वातीन जे लाइ, लेडीज़ लाइ तमामु सुठो हुते अरेंजमेंट आहे। वॾी वॾी ब्रांड्स आहिनि, कंपनीज़ हुते स्टॉल्स लॻाइनि पियूं, खाइण पीअण जा बि ऐं झूलनि जा बि, ज़रूरु अचिजो। ऐं फैमिली फेस्टिवल आहे, हुते परेशान न थियण जी ज़रूरत आहे, सभु फैमिलीज़ अलाउ आहिनि हुते, ऐं हुते सेल्फी वॉल हूंदी, हुते तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, असां सभु हूंदासीं, ज़रूरु अचिजो, ठीकु है। 12, 13, 14 अप्रैल को मेगा सिंध फेस्टिवल हो रहा है रानी बाग हैदराबाद में, हम सब वहाँ पे आ रहे हैं और आपसे मुलाकात होगी। वहाँ पे सारे स्टॉल्स हैं, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी उनके स्टॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं तमाम वहाँ पे। उसके अलावा मेगा शो होगा, म्यूज़िकल शो जो रात गए तक होता है, रात में स्टार्ट होता है। उसके अलावा बच्चों के लिए झूले हैं, फूड फेस्टिवल होगा, फूड के स्टॉल होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, सेल्फी वॉल होता है वहाँ पर, हम सब होते हैं, आपसे मुलाकात भी हो सकती है। और डेली आप हम वहाँ पे होंगे 3 दिन तक, और उसमें हमें 5 बजे से स्टार्ट होगा रानीबाग हैदराबाद में, 12, 13, 14 अप्रैल को, ठीक है। हे ॾिसो असांजो कोरमो थी वियो तयार, देगी कोरमा हो गया तयार, हल्की सी अदरक इसके ऊपर पार्चर डालें, ठीक है, हे थी वियो।
ऐं सुभाणे जी रेसिपी बि तमामु सुठी आहे। फरमाइश मूंखे यादि न आहे की छा आहे, लेकिन मां डायरी में लिखी छॾंदमि, पोइ घरु वञी ॾिसंदमि के। ऐं परीहं असां ठाहींदासीं फिश कोफ़्ता, मच्छी जा कोफ़्ता, ठीकु आहे। फिश के कोफ़्ते हम बनाएंगे सैटरडे को, वो भी फरमाइश थी काफ़ी। और फिर इंशाल्लाह 15 अप्रैल के बाद हम करेंगे रमज़ान की तैयारी, जिसमें फ्रोज़न पराठे हैं और दही बड़े का मसाला, दही फुल्कियाँ, समोसों की पट्टी, जो मांदा पट्टी जिसे कहते हैं, वो बनाना सिखाऊंगा। चाट मसाला है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, केचप है और चटनियाँ डिफरेंट किस्म की जो हम पका के रखते हैं फ्रिज में, वो उस तरह की चटनियाँ भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और भी जो फरमाइशें होंगी, कबाब हैं डिफरेंट जो सहरी में हम यूज़ करते हैं इस तरह की, ठीक है। भाई रेसिपीज सुभाणे रिपीट हलंदियूं 11 लॻे, ठीक है। कल 11 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ एसएम मेरा पेज है, वहाँ पर रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें यूट्यूब पे सिंध टीवी HD कुकिंग शो, या फिर इजी वे में आप कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगी, आपको मेरी प्रीवियस लास्ट वीक तक की वीडियोस मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करें उसको ताकि अपडेट्स आपको आती रहेंगी यूट्यूब पे और ये सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। सुभाणे 11 लॻे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज है, उते रेसिपी अपलोड थींदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कंदो। सब्सक्राइब कजो हुनखे वीडियो खे ऐं लाइक कजो त तव्हांखे अपडेट्स मिलंदियूं रहंदियूं। ऐं मुंहिंजो पेज आहे कुकिंग विद फैसल, कुकिंग विद शेफ एसएल फेसबुक ते, हुते बि मुंहिंजी रेसिपीज़ हीअ तव्हांखे मिली वेंदियूं। पंहिंजो कोर्स वारो ख़्यालु रखिजो। सॉरी, सुभाणे तव्हांखां मुलाक़ात थींदी, दुआउनि में हथ रखिजो। अलाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।